नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं हूँ इस टाइम पे रसोई में। आज आप लोगों के साथ कुछ भी ब्लॉग वगैरह शेयर करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि सर में हो रहा है दर्द, खांसी, जुकाम। आजकल वायरल जो चल रहा है ना, उसके वजह से तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन क्या होता है ना कि एक बार अगर ब्लॉग बनाना बंद कर दो तो उसके बाद फिर व्लॉग बनाने का मन करता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करता है। ये मैंने कई बार नोटिस किया है, बहुत बार मुझे इस बात का मतलब अनुभव मैंने किया है कि एक दिन छोड़ दो, दो दिन छोड़ दो, तीन दिन छोड़ दो, तो उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो शेयर करना ही है और क्यों ना आपके साथ कुछ ऐसा शेयर किया जाए व्लॉग से अलग, यानी कोई कहानी या कोई छोटा सा, कोई बहुत ही अच्छा सा कोई पेयर पर्सन, इस तरीके से भी हम लोग शेयर करते ही हैं आपके साथ में। क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और पढ़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ सुनते हैं तो नया अनुभव भी मिलता है और वही हम लोग आप लोगों के साथ बांटने की कोशिश करते हैं। तो करती हूँ इस कहानी को स्टार्ट। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमको बहुत 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 ज़रूरत है और बिना आपके सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिएगा करते हैं स्टार्ट आज की कहानी। तो कहानी क्या है, एक बार जो स्कूल के बच्चे थे बाहर पिकनिक के लिए जाने वाले थे, तो सभी अपने अपने घरों में खूब तैयारियां कर रहे थे। जब बच्चे बाहर जाते हैं ना तो खाने की बहुत सारी, बच्चे के बड़े भी करते हैं लेकिन बच्चों का अपना ही एक अलग से ही वो होता है। तो बहुत सारी खाने की चीज़ें बनवा रहे थे घर में और बहुत सी रेडीमेड चीज़ें जैसे उनको लेके जानी थी साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी कर रहे थे। बहुत सारा उन्होंने जो है अपने लिए पिकनिक के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रबंध कर लिया था। बहुत ही उत्साहित थे बच्चे। और उस दिन क्या होता कि सुबह सुबह जल्दी भी उठ गए और देखना कुत्ते कितने भौंके हद से ज़्यादा, उस टाइम पर कुछ काम करने बैठ जाना तो यही हाल है। तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और उस दिन क्या हुआ था कि सुबह सुबह जल्दी भी बच्चे उठ गए कि आज तो हमें पिकनिक पे जाना है। उस दिन मम्मियों को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब बच्चे ऐसे जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ उस दिन भी। तो सब बच्चे तैयारी कर रहे थे अपने अपने घरों में और सबको जो टाइम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग स्कूल में पहुँचना था। तो सब अपने अपने हिसाब से सब अपने अपने घरों से निकले और वहाँ पर स्कूल में सब के सब पहुँच गए। तो कहानी में ये है कि कहानी हम लोग अनुभव से ही कहानियाँ बनती हैं। डायरेक्ट हम जो पात्र होता है उस पर ना कहकर किसी और तरीके से ही बनी जाती है कहानियाँ, क्योंकि बिना अनुभव के कोई भी कहानी नहीं होती है। तो क्या होता है कि सब बच्चे गाड़ी में बैठ गए, जो भी गाड़ी वहाँ से जानी थी उस गाड़ी में बैठ गए और बच्चे खूब इंजॉय करने लगे। कोई गाने गाने लगा, कोई अंताक्षरी खेलने लगा, कोई कुछ करने लगे। इस तरीके से बहुत ही मौज मस्ती हो रही थी। कुछ के पेरेंट्स भी छोड़ने आए हुए थे वहीं तक, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए कि हाँ हमारे बच्चे बहुत ही खुश हो रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। तो सभी का सभी जो स्टाफ था वो बैठ गया गाड़ी में और सभी बच्चे गाड़ी में बैठ गए। तो अब गाड़ी चल दी और चलते 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 क्या था कि जहाँ वो लोग जा रहे थे तो बीच में क्या था, एक जैसे हाईवे वगैरह होती है ना, तो काफ़ी बड़ा हाईवे था। और कई बार ऐसा होता है कि कई सारे हाईवे में क्या होता है कि पुल छोटे होते हैं, उसमें बस का या फिर कई सारी चीज़ों का जाना संभव नहीं होता है। तो इस तरीके का था, तो वो पड़ रहा था वहाँ पर। तो उसमें ये था कि ड्राइवर, तो किसी ने बोला कि भाई इधर से तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, इसके ऊपर से लेके चलो। तो ड्राइवर बोलने लगा नहीं, इधर से बहुत लंबा पड़ेगा और यहाँ से मैं पहले भी गाड़ी लेके जा चुका हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो उन्होंने ऐसे ही किया और गाड़ी को ड्राइवर ने गाड़ी को नीचे से निकाल दिया और थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी जो है रुक गई, क्योंकि गाड़ी जो है फंस गई थी और वो ना तो आगे बढ़ पाई और ना पीछे की तरफ बढ़ पाई। इसी तरीके से वो लोग कोशिश करता रहा, ड्राइवर काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि गाड़ी आगे या पीछे की तरफ को जा सके। अब सभी लोग हैरान थे, बहुत परेशान थे कि अब क्या किया जाए, बच्चे इतने सारे गाड़ी में हैं और कहाँ और कैसे किस तरीके से मैनेज किया जाए। और अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कोई किधर फ़ोन कर रहा था, कोई किधर फ़ोन कर रहा था, कोई कह रहा था क्रेन बुलाओ, कोई कह रहा था कुछ करो, कोई कह रहा था कुछ करो। तो जब जब परेशानी होती है तो सभी लोग परेशान होते ही हैं
और खास तौर से जब बच्चे साथ में होते हैं तो वो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं और उन्हें डर लगने लगता है। तो इस तरीके से भी जो अध्यापक थे वो परेशान हो रहे थे कि ऐसा ना हो बच्चे थोड़ा सा रोने लगे या मतलब उनको चिंता होने लगे, कुछ इस तरीके से बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो अब सभी लगे हुए थे कुछ ना कुछ कि किसी तरीके से गाड़ी को निकाला जाए, किसी तरीके से कुछ ऐसा किया जाए। तो जब ऐसा देखा कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, किसी तरीके से भी गाड़ी नहीं निकल पा रही है, तो सभी लोग उदास से हो रहे थे कि अब कैसे करें। तो अब जो है तो ड्राइवर को सभी लोग डांटने लगे, तो कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं था कि गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी। तो वो बोलने लगा नहीं नहीं मुझे, मैं कुछ समय पहले यहाँ पर से लेकर गया था गाड़ी, तो बिल्कुल सुरक्षित गाड़ी पहुँच गई थी। तो एक आदमी बोला नहीं नहीं इनका कोई दोष नहीं है, वहीं से कोई और भी था, तो बोलने लगा इनका दोष नहीं है क्योंकि ऐसा हुआ है कि कुछ टाइम पहले थोड़ा सा सड़क जो है ऊपर को उठी है, तो उसकी तरह से उठने की वजह से क्या हुआ है कि उसका जो ऊंचाई थी उस पर फर्क पड़ गया, इसलिए इसमें से जो बड़े बड़े वाहन हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस तरीके से उसने बताया। तो थोड़ा सा सभी ने ड्राइवर को डांटना बंद किया, तो उन्होंने बोला कि सड़क इस तरीके से ऊंची हो गई है क्योंकि जब भी कोई चीज़ बन के टूट के दोबारा से बनती है तो उसका लेवल थोड़ा सा उठ जाता है, और यही हुआ है, इसी वजह से गाड़ी फंसी है। तो उसमें से एक बच्चा इस सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत ही उसने सुन रहा था, और फिर उसने बोला कि अंकल मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे करो कि इसको ना जो गाड़ी है इसके टायरों में से थोड़ी थोड़ी सी हवा निकाल दो, जिससे कि गाड़ी जो है थोड़ी सी उसका लेवल जो है थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। तो सबके सब हैरान कि इस बच्चे पे इतना दिमाग कहाँ से आया भाई, हम लोगों के दिमाग में उतनी देर से हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं आई, और इस बच्चे के दिमाग में इतनी बड़ी बात कैसे आ गई। तो यही किया गया, थोड़ा थोड़ा सा टायरों में से हवा निकाली गई, और जब हवा निकाली गई ना तो टायर में से जो है ऊपर से जो है स्पेस बन गया, और जब स्पेस बन गया तो गाड़ी आसानी से निकल गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो ऐसा भी होता है कि बच्चे जो हम सोचते हैं कि बच्चे हैं इन्हें कुछ नहीं पता, बहुत इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता होती है, और हर बच्चा तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर बच्चे होते ही हैं जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, और उस बच्चे की वजह से ये सब काम सफल हो गया और वो वहाँ से निकल गए। फिर सभी ने बच्चे को बहुत प्यार किया और उसको बहुत ही उसके लिए तालियां बजाई गई कि इतना अच्छी सोच रखने वाले बच्चे को, मतलब सोच रखने से मतलब ये है कि बहुत हमारी समस्याओं को सुन रहा था, उसके बाद इसने ये प्रॉब्लम हल की। तो सभी ने बच्चे को बहुत प्यार किया, और उसके बाद वो सब लोग पिकनिक में गए, और वो सारी चीज़ें देखें, बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो बड़ों के दिमाग में तो कुछ टाइम तक कोई चीज़ रहती है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के साथ यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। बीमारी में भी आपने देखा होगा बच्चों को हम लोग कहराते रहेंगे ये हो गया वो हो गया, लेकिन बच्चे क्या होता है कि जब ज़्यादा ही दुख हो जाता तब तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करते हैं वो उस चीज़ को छोड़ के अपना खेल में या किसी न किसी चीज़ में लग जाते हैं। तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा करो ऐसा करो, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने सारे दुखों को परेशानियों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर बच्चों ने सब वहाँ बहुत इंजॉय किया, थोड़े थोड़े से टीचर्स थोड़े थोड़े से उस बात को जब उनको ध्यान आ रहा था तो थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं जो भी हुआ अच्छा हुआ, और फिर अच्छे से वहाँ इंजॉय किया गया पिकनिक में। और उसके बाद जब वो दोबारा से वापस आ रहे थे तो फिर उधर से नहीं निकले और फिर वो दूसरे रास्ते से ही आए। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बार बार तो खैर नहीं, बार बार बोलना कहते हैं ना हम लोग बोलते ही नहीं है, लेकिन जब बोलना पड़ता है तो तभी कहा जाता है कि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आगे चैनल नहीं चल पाएगा। और परेशानियां तो देखो होती ही होती हैं सभी के जीवन में, हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया अपने चैनल को यहाँ तक पहुँचाया, तो अब यही लगता है कि अगर हम लोग असफल हो गए तो फिर क्या फ़ायदा है, यहाँ तक इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। और सभी मेरी ओल्ड फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट बनाए रखें, एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं,
कुछ कर सकते हैं। और अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं नहीं पहले है, दौड़ हमारी होगी, बाकी सब पीछे रह जाए, तो ऐसा नहीं। सबको एक साथ मिलकर चलना है, एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, और सफलता जरूर मिलेगी। और एक एक काम में नहीं, अक्सर बहुत सारे कामों में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि सफलता जरूर मिलती है मेहनत करने वाले को। तो जो मेहनत ही नहीं करेंगे तो उनको सफलता कहाँ से मिलेगी? भाई हम सोचेंगे हमें ये हमारी चीज़ रोटियाँ बनानी है और हमें रोटी सब हमारे पास सामान है, लेकिन जब हम उसे बनाएंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, अपने मुंह में ही नहीं डालेंगे तो कैसे हो जाएगा ना। तो सब चीज़ों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए हम तैयार हैं और आप लोगों का हम सपोर्ट चाहते हैं। तो चलिएगा, आज के कहानी का करते हैं यहीं पे एंड, अपनी बातों का भी यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में या कोई कहानी के रूप में, कुछ अच्छा सा सुनाऊंगी। और चलिए तो फिर ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।